हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली गई और इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में ही सेकंड पार्ट, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊं स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। मैं आपको बताऊं स्ट्रक्चरल आइसोमर हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं, जिसमें मैं आपको चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर्स और रिंग चेन आइसोमर्स बता चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये जो वीडियो है ये बेसिक इंट्रोडक्शन का है और नेक्स्ट वीडियोस में मैं अलग अलग टाइप्स और एग्जांपल्स लेके डिस्कस करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है। दीज आर दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था कि आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट स्टीरियो है तो यहां पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट दे डिफर इन देयर स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट मीन्स हाउ दे डिफर इन स्पेस। सो दे डिफर इन देयर स्पेशियल अरेंजमेंट, दैट इज in space. So this is the difference in stereoisomers, and such compounds are known as stereoisomers which have same molecular formula, same structural formula, but they differ in their spatial arrangement are called stereoisomers, and the phenomena is known as stereoisomerism. Iski do categories hoti hain jinko hum discuss kar chuke hain aur aage detail mein hum inko lete rahenge. सो फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास आते हैं कॉम्फिग्यूरेशनल आइसोमर्स। यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक ऑप्टिकल आइसोमर, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों, ये आपके कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम यह है कि आपके सीबीएसई में बहुत ज्यादा डिटेल में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल नहीं दिया हुआ, जबकि आपके कॉम्पिटिटिव में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है कन्फर्मेशनल। सो कन्फर्मेशंस भी स्टीरियो आइसोमर्स में ही आते हैं। हम एक एक करके इन सारी कैटेगरीज को पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशंस क्या होंगी? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, पहली चीज, क्योंकि आइसोमर्स हैं। दूसरा, स्टीरियो की बात हो रही है, सो दे हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑल्सो, बट दे डिफर। अब ये डिफरेंस किस में है? They differ in their arrangement due to restricted rotation of atoms or groups. अब इसका मतलब क्या है, इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो चीज क्या है? They are the compounds which have same molecular formula, same structural formula, but they differ due to restricted rotation of atoms or groups. जब मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियोज में दिया था तो मैंने आपको बताया था कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या होता है। मैं एक बार फिर से आपको बताती हूं। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है एल्कीन का, जिसमें हमारे पास मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्यूटीन। ठीक है, अगर मैं दो मिथाइल ग्रुप के बीच का डिफरेंस देखूं तो हमारे पास है एल, लेट मी राइट इट एज L1, और अगर मैं इसी ब्यूटीन को इस तरह से लिखूं कि दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, तो हम देखते हैं कि इन दोनों मिथाइल ग्रुप का जो डिफरेंस है, लेट मी राइट इट एज L2, ये हो गया L1 और L2। अगर आप इनको डिस्टेंस को फाइंड आउट करें तो आप देखते हैं L1 और L2 इक्वल नहीं है। इट मींस कि इनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है, जो स्पेस में अरेंजमेंट है, ये अलग है और ये अलग है। ये सेम तब होता जब दोनों सेम होते, जब दोनों का डिस्टेंस सेम होता, बट क्योंकि दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, इट मींस दीज टू आर डिफरेंट कंपाउंड्स। ये भी ब्यूटीन है, ये भी ब्यूटीन है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, बट इनका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के कारण। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मीन्स अगर मैं एक कार्बन को फिक्स करूं थ्रू डबल बॉन्ड और दूसरे कार्बन को रोटेट करूं तो रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, एंड दैट इज नोन एज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के कारण हमारे पास ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है। समझ में आ गया? सो इस तरह से हमारे पास जब डिफरेंस आते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के, तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किस कारण से होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमारे पास पाई बॉन्ड के कारण होता है। अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? सो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो डबल बॉन्ड जहां जहां आएगा वो हमारे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले स्ट्रक्चर्स होंगे। डबल बॉन्ड कहां कहां आ सकता है? जैसे कार्बन कार्बन में आ गया, जैसे कार्बन नाइट्रोजन में आ गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में आ गया, जहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड बन रहे हैं वहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है।
इसके अलावा हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आते हैं साइक्लो कंपाउंड्स में, साइक्लो एल्केन्स में, साइक्लो एल्कीन्स में। इसके अलावा हमारे पास आते हैं एलीन्स, स्पायरो कंपाउंड्स एंड बायफिनाइल। इन सब में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आता है और इसके कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहां पे होते हैं। सो कंडीशन क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर की? पहली कंडीशन है कि यहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम कौन से हुए? ये जो मैंने आपको बताया, ये सिस्टम होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम कोई भी एक हो। दूसरा, हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। जो भी कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है उसमें जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो दो डिफरेंट ग्रुप या एटम्स होने चाहिए। जैसे ऊपर मैंने एग्जाम्पल दिया, यहां पे एक कार्बन पे जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है। इस पे भी एक मिथाइल एक हाइड्रोजन है। सो एक ही डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो अलग अलग एटम्स जुड़े हुए होंगे तो वो कहलाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये तो हमारी कंडीशंस हो गई ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का एग्जाम्पल्स क्या है, कैसे हम पता लगाएंगे कि किन कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। सो इसकी प्रैक्टिस कीजिए बेटा, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।